हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो पोर्ट भी अच्छा करने लेके आई आपकी रिच से एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो। सो गाइस, आज के जो वीडियो के रिएक्शन होने वाले हैं ना, वो खुद आप चलकर वीडियो में देखो, क्योंकि आज हम करने वाले हैं मेरी दोस्त के बंदे पे लॉयल्टी टेस्ट। तो यार, इनसे पूछते हैं कि इनकी प्रॉब्लम क्या है और क्या चाहते हैं ये बताओ आप। यार एक्चुअली मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना, वो मुझे चीट कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि यार तू टेस्ट कर उस पर कि वो ये सब चीज़ें सच कर रहा है, रियलिटी है। पर मैं जानती हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, बट मैं चाहती हूँ कि तू एक बार देख। अच्छा, प्यार करता है और डाउट भी है? हाँ, दोनों चीज़ है। दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती है? क्योंकि वो एक्चुअली ना मेरा कॉल पिक नहीं करता है, हमेशा इग्नोर कर रहा है। तो मुझे लगता है हो भी सकता है कि फैमिली में बिजी हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी और के साथ अभी है। मतलब फोन वोन करती हो तो वेटिंग में जाता है और मैसेज सीन करके लाइक यही सब चीज़ें हो रही है, रिप्लाई नहीं करता है। व्हाट्सएप पे मैसेज करती हूँ तो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा रिप्लाई नहीं आता उसका। जो प्यार करता है वो तो ऐसे नहीं करता है यार। यार अब हो भी सकता है कि करता हो, बट मैं चाहती हूँ कि तू एक बार टेस्ट कर कि वो रियलिटी में ये सब है या नहीं है। बट तुझे मतलब उस पर भरोसा है? हाँ, मुझे ट्रस्ट है यार। अभी कितने परसेंट भरोसा है लड़की से पूछ लो पहले तो। यार है, मुझे भी 100% भरोसा है। 100% नहीं, अगर होता तो मुझे ना बोलती ना लॉयल्टी टेस्ट के लिए। यार अभी लग रहा है, अब तू समझ सकती है मेरी प्रॉब्लम की क्या है। यार अब होता है 3 साल रिलेशन के बाद, हो भी सकता है कि वो चीज़ ना रही हो, बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है कहीं। कुछ गड़बड़ है, चलो दाल में कुछ काला है, क्या पता पूरी दाल ही काली हो, कुछ भी हो सकता है। सो यार, इनका क्या है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और यार आप लोगों को पता है यार, दोस्त दोस्त के ही काम आता है। तो हम एक काम करते हैं, हम उस आपको बता दूं कि हम उसके इसके बंदे के घर के नीचे वाले पार्क में हैं, और अब हम क्या करेंगे, उसको फ़ोन करके बुलाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि बर्थडे पार्टी में उसने मुझे मतलब उससे मिलवाया था, ही हम लोग अच्छे दोस्त बन गए थे। और 2-3 दिन से मैं उसको चेक करने के लिए, क्योंकि इसने मुझे बहुत टाइम से बोल रखा है, तो 2-3 दिन से मैं उससे इंस्टाग्राम पे बात कर रही हूँ। रिस्पॉन्स नॉर्मल फ्रेंड की तरह ही कर रहा है, कुछ लगा नहीं कि बंदा मेरे से फ्लर्ट कर रहा है। हो सकता है मे भी बंदा इसके लिए लॉयल हो, बट यार कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। तो एक काम करते हैं, मैं उसको फ़ोन करके मिलने के लिए बुला रही हूँ, ठीक है? आगे क्या होने वाला है आप देख लेना। नंबर तो है यार तेरे बंदे का, जैसे अगर वहाँ कर देना तू फटाफट ना दूसरे वाली पार्क से मतलब दूसरे वाले गेट से ना निकल जाइयो यार, ठीक है? हेलो हेलो, जतिन का हो? मैं घर पर ही हूँ यार। मैं ना तुम्हारे घर के नीचे वाली पार्क है ना, जो 62 है ना तुम्हारा नंबर, हाउस नंबर। हाँ हाँ यार सुनो, नीचे वाली पार्क में मैं हूँ जो गोल चक्कर पे है ना। हाँ हाँ, वहाँ पे। और मुझे ना तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, सिर्फ 5 मिनट के लिए आ सकते हो? नहीं यार, तुम समझ यार, मैं अभी नहीं आ सकता। मैं समझ रही हूँ, घर पे सारे हो गए, लेकिन ये लगा लो जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर नहीं आए ना तो ये लगा लो एक अच्छी दोस्त खो दोगे तुम। अच्छा ठीक है, वेट करो मैं आ रहा हूँ। चलो ठीक है, ओके, चलो मैं छुपती हूँ। एक काम करो कि फटाफट ना दूसरे वाले गेट से निकल जाओ, और जैसे होगा ना तुम देख लेना, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, तुम आ जाना डायरेक्ट, ठीक है? थैंक यू यार, सुनो लॉयल ही रहे, भगवान करे। सो यार बंदे का वेट करते हैं और बंदे के आने का इंतज़ार करते हैं, और लेट्स सी वीडियो के रिएक्शन कैसे आने वाले हैं। लॉयल है नहीं है बंदा, और आप लोगों को तो पता है हम कितने टेस्ट करते रहते हैं बंदे पे, है ना? तो वेट करते हैं। बंदा आ गया, कैमरा हाइड कर लियो यार, एक अच्छे से है ना संभाल लियो भाई। हाय जतिन, कैसे हो? बढ़िया, और एकदम बढ़िया। क्या चल रहा है आजकल? कुछ तो चल ही रहा होगा। लॉकडाउन चल रहा है? लॉकडाउन तो चल रहा है, बाहर आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। ये तो है, बट अब ये तुम्हारे घर के पास में रहते थे ना, इसलिए मैं आ गई। मेरे को लगा यार मिलना था, बहुत टाइम हो गया था। और यार वंदना से क्या चल रहा है सब कुछ? अब ठीक ही चल रहा है अभी तो। ठीक ही चल रहा है या ख़त्म हो गया या चल रहा है, क्या एक चीज़ बताओ ना। ख़त्म क्या बताऊँ, खत्म होने ही। देखो मैं तुमसे एज अ फ्रेंड पूछ रही हूँ, वंदना ना मुझे वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं है आजकल, थोड़ा ना मेरे को लगता है दोस्ती में ना थोड़ा उबड़ खाबड़ चीज़ें करती रहती है, और आजकल मुझे उस पर भरोसा नहीं हो पाता है। लगता है वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलने लग गया, और दोस्त दोस्त से झूठ ना ही बोले तो बेहतर है यार। अब ये बताओ कि तुम्हारा क्या सीन चल रहा है, क्योंकि ना यार पता है लास्ट टाइम हम बर्थडे पार्टी में मिले थे ना, तो मुझे ऐसे लगने लगा है तब से कि यार मे बी मैं श्योर नहीं हूँ कि उसका कहीं और है अफेयर। हाँ यार, मुझे भी ऐसा लगता है यार, वो मुझे डाउट है, जाती है कहीं और, कहीं भी पार्टीज में जाती है, नंबर शेयर कर देती है, नंबर शेयर ऐसे कर देती है, कर देती है नंबर शेयर। मैंने मना किया है नंबर मत शेयर कर करो, बट यार मैंने सुना है कि तुम उसको इग्नोर बहुत ज़्यादा कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, उसके मैसेज ही नहीं करते, डेढ़ डेढ़ घंटा तुम्हारे रिप्लाई नहीं आता है, फ़ोन करते रहती है, वो तुम्हें वेटिंग जाते रहते हो। ऐसा तो नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आ गया?
नहीं ऐसा नहीं। देखो एज अ फ्रेंड तुम उसे शेयर कर सकते हो, प्लीज़ ट्रस्ट कर लो कि मैं वंदना को नहीं बताऊंगी। माना वो चड्डी बड्डी वाली दोस्त है लेकिन मैं उसे ट्रस्ट में मैं नहीं बताऊंगी कुछ भी। एज अ फ्रेंड, एज अ गुड फ्रेंड तुम उसे शेयर कर सकते हो। अगर तुम्हारा किसी और के साथ सीन है तो वो बता दो। अभी तो नहीं है पर हो सकता है। हो सकता है। मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, पता तुम जब लास्ट बर्थडे पार्टी में मिले थे ना, तब से ना मुझे ना तुम्हारे लिए ना थोड़ा अलग वाली मतलब समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूँ, लेकिन अलग वाली फीलिंग्स आई। मुझे ऐसे लगा कि बंदा बहुत ज़्यादा लॉयल है और यार एक लड़की को इज्जत से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होती, और मुझे आज तक ऐसा लड़का कभी नहीं मिला जो एक लड़की की इतनी ज़्यादा इज्जत करे। और लड़की को सबसे ज़्यादा ना इज्जत प्यारी होती है भाई साहब, ये तो सच है। तो मैं सोच रही थी कि यार तुम्हारा वंदना के साथ कुछ अच्छा भी नहीं चल रहा है, तो हमारा क्या विचार? मुझे भी ऐसी लड़की चाहिए जो केयर करे। तो तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में, कैसे लगते हो तुम्हें? आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तो यार तुमने कभी बोला नहीं, अब देखो तुम्हारे मन में कभी कुछ लेके आया भी हो मुझे तो तुम्हें बताना चाहिए था ना। हाँ बट मैं बोल नहीं पाया पहले, बट आई बोल रहा हूँ, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, बहुत क्यूट लगते हो। अच्छा और क्या अच्छा लगता है तुम्हें मुझ में? सब कुछ अच्छा लगता है। सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ में क्या क्या आता है भाई? आप बोलते हो बहुत अच्छा नेचर है आपका। थैंक यू। ब्यूटीफुल हो। और तुम्हें पता है मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाती हूँ है ना, कहीं इसलिए तो नहीं कि मैं थोड़ा लोग जानते हैं तो इसलिए तुम्हें ज़्यादा अच्छी लगती हूँ मैं? ऐसा नहीं है, पहले से अच्छे लगते थे तब से मुझे आप अच्छे लगे। अच्छा तो फिर अभी मैं सोच रही थी तुम्हारा वंदना के साथ सही चल भी नहीं रहा है तो हम लोगों कुछ मतलब कैसे बताऊं कि मतलब कुछ सोच सकते आगे का है ना। ठीक है तो तुम एग्री हो? हाँ मैं एग्री हूँ। देखो ज़्यादा मैं सच बताऊँ ना, वंदना को पता लग गया तो वंदना मार तो देगी जान से है ना। नहीं मैं उसको समझा दोगे? समझा दूँ। अगर वो मान लो अभी तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या करोगे? नहीं आएगी वो, कैसे आएगी? कैसे आएगी? नहीं आ सकती वो। तुम्हारा कहीं और भी सीन है तो बता दो यार, एज अ फ्रेंड भी बात करते हो एक बार बता दो। तो तुम उससे बात करना बंद कर देना, लेकिन अब भी जहाँ तक तुम कर रहे हो जहाँ जहाँ बात वो बता दो कि है ना ये सच। हाँ कर रहे हो। हाँ। बंदी है तुम्हारी? बंदी है बट वो बहुत मुझे अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, दिलाओ वो दिलाओ। वंदना भी ऐसी है थोड़ा डिमांडिंग टाइप की है ना, डिमांडिंग टाइप की। लड़के इरिटेट हो जाते हैं इन चीज़ों से यार। लड़की इंडिपेंडेंट होनी चाहिए यार। तो कुछ समझती नहीं है तो हम लोग आगे का सोच सकते हैं मतलब। अरे हाथ क्यों पकड़ रहे हो? क्या हो गया? मतलब फर्स्ट मीटिंग है यार, मतलब उस नज़र वाला रिलेशन हम पहली बार। क्या चल रहा है? क्या ये सब क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा। क्या क्या पागल पागल बना रहे हो क्या? क्या पागल क्या है? तो क्या बोल रही है? क्या ये क्या हाथ पकड़ के क्या कर रहे हो? क्या हाथ पकड़े मैंने? क्या क्या कर रहे हो? तो जस्ट बैठे हैं। क्या बैठे हैं हाथों में हाथ डाल के? यार तुम बता दो ना, तुम तो कह रहे थे रिलेशन खत्म हो गया, उसको बता दो रिलेशन खत्म हो गया ना तुम्हारा? 3 साल का रिलेशन खत्म हो गया? ऐसा नहीं। नहीं क्या चूतिया बना रहे हो क्या खड़े होकर? यार ऐसा नहीं, नहीं है। तो 3 साल से चल क्या रहा था हम लोगों के बीच? तू गलत सम... मैं क्या गलत समझ रही हूँ यार, ये साफ दिख रहा है तुम लोग कर क्या रहे हो यार? यार अभी इसने मुझे ये बोला कि तुम्हारा रिलेशन खत्म हो गया इसलिए हम लोग आगे का सोच रहे थे। खत्म हुआ? पागल पागल समझ रखा है क्या? हार्ट अटैक क्या कह रही है तू? क्या हार्ट अटैक? क्या हार्ट अटैक? ये क्या चल क्या रहा है यहाँ? तू मतलब झूठ बोल रहे है क्या? हम लोग तो उसको भी पागल कर रहा है मुझे भी पागल कर रहा है। मैं कहाँ पागल कर रहा हूँ? क्या क्या सोच रही है? गलत क्लियर बोल, जो भी है ना क्लियर बोल। 3 साल से क्या था बात? तू मुझसे कर रहा है रिलेशन, मेरे साथ चला रहा है, मुझे तू यहाँ कर रहा है? या हाँ, मैं सीरियस। क्या 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 सीरियस? सीरियस है हाथ पकड़ के? सीरियस है तू? ऐसा नहीं, ये तू सीरियस है क्या? हाथ पकड़ के तू सीरियस है यहाँ खड़े होकर? नहीं बोल ना, नहीं चूतिया समझ रखा है क्या मुझे? तू चूतिया तू है यार, तू मुझे क्या समझ रहा है क्या? मैं पागल नहीं हूँ, ये जब चल रहा है ना यहाँ पर कोई पागल नहीं, इतनी पब्लिक खड़ी है, बेवकूफ नहीं है तू? कम बोल ठीक है ना मेरे से? क्या समझू मैं? क्या पागल है यार, इसको चुप करा यार। तो तुम चुप करा यार, तू उसे क्या चुप करा रहा है? तू उसे क्या करा रहा है? तू बोलना कि तू क्या कर रहा है यहाँ 3 साल से क्या है हम दोनों के बीच में? बोलना। इसने बोला कि तुम्हारा कुछ सही नहीं चल रहा है, तुम डिमांडिंग हो। अच्छा मैंने क्या डिमांड किया तुझसे आज तक? क्या मांगा मैंने तुझसे? तू ही बोल। क्या मांगा? क्या ये वो डिमांड? अरे यार तू रहने दे। क्या मांगा रिलेशन में? अगर मैंने मांगा तो तूने नहीं लिया क्या? मैंने तुझे नहीं दिया क्या? आज तू ये चीजें गिनवा रहा है क्या? पहले बोलता ना फिर 3 साल के बाद तुझे ये सब चीजें याद आई आज? नहीं खड़े होकर चूतिया काट रहे क्या? इसका भी और मेरा भी? नहीं क्या चल क्या रहा था बताओ, क्या चल रहा है भाई? क्या चल रहा है? तुम तो बोल रहे थे तुम्हारा खत्म हो गया वंदना से सब कुछ। क्या खत्म हो गया? कब खत्म हुआ? कब कुछ खत्म बताया तूने?
तुम बोल दो ना, अभी हम रिलेशनशिप की बातें करते, बता क्यों नहीं रहे सारा कुछ। हम रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, बस और कुछ नहीं कर रहे थे। अच्छा, और ये लड़की फ्रॉड है तो इसकी बातों में अच्छा नहीं कर रहा हूं मैं। फ्रॉड हूं, मैं फ्रॉड हूं, एक मिनट मैं फ्रॉड हूं। इसने मुझे कॉल करके बुलाया यार, इसने मुझे मैसेज किया, मैंने तुम्हें, तू देख ले मेरे फोन पे देख ले। अच्छा मतलब यार मेरी बात सुन, ये फ्रॉड है, तू इसकी बातों में विश्वास कर ले यार। मतलब मैं तो सब लड़ कर रही थी यार, ये कर रही थी यार, ये अभी तू सच्चेवादी है। जो दो लड़कियों के दिलों के साथ खेलता है, तू सुन रही है यार खड़े होकर कुछ बोल नहीं रही। क्या सुनू, वो तो मेरी छड्डी बड़ी फ्रेंड है, उसकी क्या सुनू। और ये हाथ जो तू कर रहा है ना, ये सब रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है ना। मुझे चूतिया मत बना यहाँ खड़े होकर, तू तो इसकी बात में विश्वास कर ना। और तुझे क्या लगता है कि तेरे वजह से क्या मैं मर जाऊंगी? तेरे को क्या लगता है कि तू नहीं मिलेगा तो क्या मैं मर जाऊंगी? ये फ्रॉड है। अबे तू फ्रॉड है, तू क्या बोल रहा है? उसे क्या बोल रहा है यहाँ पर, है ना, सब रिकॉर्डिंग चल रही है। नहीं करती, यकीन तुझका है। अब सुन, जो तूने फ्रॉड वाली बात करी है ना, बड़ी गलत बोली है। तुझे पता है अब तूने फ्रॉड जो बोला है ना, ये सारा सामने कैमरा लगा हुआ है और सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। और तू ये बोल रहा ना कि मैं तुझसे फ्लर्ट कर रही थी, वो तो पब्लिक बता ही देगी और इस बंदे को भी पता है, ठीक है। ये हमारा प्लान था। क्या लगता है कि तू नहीं रहेगा मेरी लाइफ में, क्या कोई और नहीं आएगा? अबे तुझ जैसे ना छत्ते साथे निकल बे, समझा? या मुझे चूतिया मत बना खड़े होकर, तू खुद ही चूतिया एक बड़ा। तू इस पे यकीन कर ले, ठीक है? हां तो ये तो मैं यकीन करूं। नहीं नहीं, कल YouTube पे वीडियो आएगी ना, देखियो तेरी शक्ल के साथ जब वीडियो आएगी तब देखियो। हां देखियो, निकल निकल अब चल। डर नहीं है तुझे पब्लिक का? मुझे कोई डर नहीं, पता लग जाएगा ना। इसको बोलते हैं, वो कहते हैं ना, चोरी और सीना जोरी, ये वाला हरकत कर रहे हैं। अगर तुमसे गलती हुई ना, एक्सेप्ट करो। वैसे भी तेरी तो फितरत ऐसी है, फितरत ऐसी है, कभी सही है कि मैंने आज अपनी दोस्त से अपने सच उगलवाने के लिए प्लान करा, पर नहीं तो मेरे को तो जिंदगी भर पता ही नहीं चलता कि तू मेरे साथ। एक बात बोलो, इसने फर्स्ट में ही मेरे को आके बोल दिया था कि मेरा बंदा लॉयल है मेरे लिए, तूने इसका दिल तोड़ दिया यार। ये मैंने तेरा कोई डील नहीं तोड़ा यार। यार चुप जा यहां से, निकल अब, अपनी शक्ल मत दिखाइयो मुझे। अरे चल निकल यार, अरे निकल ना, बोला ना तुझे, हाथ मत लगा, जाओ यहां से। जैसे आए थे निकल, चल वैसे जाओ, निकल चल। चुप 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 बैठो, मैं शान छोड़। मैंने सोचा भी नहीं था ये लड़का ऐसा निकलेगा यार मेरी जिंदगी में यार। मैंने इतना ट्रस्ट किया इस पे, इतना प्यार किया यार। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई वीडियो यूट्यूब पे जाए और बाकी सबके लिए मैसेज ओके? नहीं यार, एक्चुअली पता तो चलेगा लोगों को कि ऐसे लोगों से दूर रहे। बिल्कुल यार बिल्कुल, एटलीस्ट कुछ तो होगा। थैंक यू यार, तूने मेरी इतनी बड़ी हेल्प करी, थैंक यू सो मच। दोस्त ही दोस्त के काम आता है, ठीक है? चल ओके। सो गाइस, कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। यार इस वीडियो से एक छोटा सा मैसेज है बाकी सब लड़कों के लिए, प्लीज़ यार किसी लड़की का दिल ना दुखाओ। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लॉयल रहते हैं तुम्हारे साथ, तो प्लीज़ उनकी फीलिंग्स को हर्ट मत करो यार। हर किसी की इज्जत करना सीखो। अगर तुम रिलेशन में रह के तुम लॉयल नहीं रह सकते, तो प्लीज़ यार ऐसा रिश्ता, नाम नाम का रिश्ता मत बनाओ। और मैं ये नहीं कह रही यहाँ पे कि सभी लड़के एक जैसे हैं, मैं जस्ट एक दिखाना चाहती हूँ कि बहुत सारे लड़कों की वजह से ना, जैसे आप लोगों ने देखा है मैंने कितने ज़्यादा लॉयल्टी टेस्ट करा है, तो बहुत सारे ऐसे लड़के निकले हैं, तो उसकी वजह से ना पूरी लड़का जाति बदनाम हो जाती है। तो प्लीज़ एक लड़की की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो। रिलेशन में नहीं रह सकते तो छोड़ दो यार, लॉयल नहीं रह सकते तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना, और जिसने यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स डीएम कर सकते हो, वहाँ पे हम आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालेंगे और उन पर वीडियोज़ बनाएंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, लव यू ऑल।